गाइस इस मेरे जू देख रहे हैं, मेरे पास तो जू है नहीं। बोले चलो उतर जाओ, इतनी सुंदर, वाओ। और पीछे का नजारा देखो, चारों तरफ पहाड़। हाय एवरीवन, आप सबको मेरे ब्लॉग और मेरे चैनल पर स्वागत है। गाइस मैं तैयार होकर आज ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है क्योंकि मुझे कहीं पर जाना है। और तभी देखा कि मम्मी आ गई है घर पर, अयोध्या गई थी जैसे कि आप लोगों को पता है मैंने कहा था। तो अयोध्या से मम्मी आ गई है, तो चलो मम्मी ने क्या क्या लाया पहले वो देखते हैं, उसके बाद जाएंगे। मुझे एक जगह जाना है, आपको भी लेकर जाएंगे, तो चलो पहले चलते हैं। मैं तो तैयार हो गई, सिर्फ परफ्यूम लगाना बाकी है, परफ्यूम लगा लेती हूँ मैं। और ये गाइस ये परफ्यूम बहुत ज्यादा अच्छी स्मेल है, वो दीवाना हो जाएगा, दीवाना मतलब क्या ही बताए, बहुत ज्यादा अच्छा स्मेल है। तो चलो अभी दिखाते हैं क्या क्या लाया है इधर पे। दीदी ने अपना बिस्तर साफ भी नहीं किया है मम्मी के आने की खुशी में, चलो दिखाते हैं। तो गाइस पहले देखो ये साड़ी लाया है बनारस से, बनारसी साड़ी तो नहीं ये, पता नहीं क्यों अलग साड़ी है ना ये। और एक साड़ी लाया है येलो कलर का, ये बनारसी साड़ी है शायद, हाँ। और यहाँ पे ढेर सारा सामान लाया है, सिंदूर का डब्बा, और ये प्रसाद भी लाया है ढेर सारा। ये सबसे प्यारा राम मंदिर, श्री राम जन्मभूमि मंदिर, कितना सुंदर, सिर्फ डिजाइन ही इतना सुंदर है, रियल में कितना सुंदर लगेगा, ओ माय गॉड वाओ। कीर्तन करने के लिए बहुत सारी ये लाया, पता नहीं इसका नाम नहीं पता है, ये जो बजाते है ना, ये ढेर सारी कंगन लाया है। तो गाइस देख लिया है, मम्मी ने ज्यादा कुछ सामान नहीं लाया है क्योंकि सिर्फ 6 दिन का ट्रिप था मम्मी का, और सिर्फ घूमा है, शॉपिंग वगैरह नहीं किया है। तो अगली बार जब हम जाएंगे ढेर सारे शॉपिंग करके लाएंगे, तो जितना सब लाया था मैंने दिखा दिया आप लोगों को। प्रसाद वहां से आकर खाऊंगी, मुझे एक जगह पे जाना है, बहुत ही सुंदर प्लेस है, आप लोगों को भी लेकर चलेंगे एक बहुत ही अच्छी जगह में। तो चलो मैं भी चलती हूँ आप लोगों को लेकर एक बहुत ही फेमस जगह हमारी इधर की। चलो गाइस देखो मैं बस स्टैंड में आई हूँ, बस के लिए रुकी हूँ। ये हमारी लोकल मार्केट है, देखो कैसी से, देखो पता नहीं क्या हो गया कैसा कर रहा है देखो। तो गाइस मैं फाइनली बस में बैठ चुकी हूँ और विंडो साइड में सीट मिला, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हवा खाते खाते जा रही हूँ। और वहाँ जाके आप लोगों को बताऊंगी मैं कहाँ आई और क्यों आई, ठीक है। तो गाइस मैं जहाँ पर आई हूँ वो है ये वाला, वेलकम टू काकोइजना। पहले गई थी ना गोल्डन लंगूर फेस्टिवल में, जहाँ पे गोल्डन लंगूर का फेस्टिवल मनाया गया था, तो वो गोल्डन लंगूर का रहने वाला स्थान ये है। तो चलो चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ का लोकेशन कैसा है, और अगर मेरी किस्मत में लिखा है तो गोल्डन लंगूर भी देख लेंगे, है ना। ये है एंट्री हमारा, इतना सुंदर सीढ़ी है, कलरफुल। गाइस मैं एक बात बता दूँ, अगर यहाँ पे कोई लड़का और लड़की आना चाहते हो तो मत आओ, मतलब अगर आप लोगों के लीगल वो है तो ही आओ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है उसके बाद ही जाने देता है। तो ये नियम इन लोगों ने बहुत अच्छा बनाया, वैसे तो मैं अकेली आई हूँ, चलो देखते हैं। यहाँ पे वाटरफॉल है, चलो देख के आते हैं। वाह कितनी सुंदर प्लेस है यार मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे प्लेस जहाँ पे नेचर हो, पानी हो, झरने हो, वाह। यहाँ पे है एक शिव मंदिर, पता नहीं कितनी सारी सीढ़ियाँ क्रॉस करना पड़ेगा, कितनी ऊपर है, डर भी लग रहा है। तो गाइस आज मेरा चैलेंज है इतनी बड़ी फॉरेस्ट में अकेले सर्वाइव करना, ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगी, अगर कुछ हो गया तो माय गॉड डर लग रहा है, कोई नहीं है। ये चैलेंज देखा, इतनी डरावना चैलेंज है, इतनी बड़ी फॉरेस्ट में अकेले, लेकिन मैं पहले इस साइड में जाऊंगी। गाइस देखो इस साइड में कोई नहीं है, चलो चलते हैं, महादेव का नाम लेकर चलते हैं, सरवाइव तो करेंगे यार, मैं इतनी कमजोर थोड़ी ना हूँ। बर्ड का आवाज आ रहा है, वाओ। गाइस ऊपर का रास्ता बंद है, यानी कि ये रोड बंद कर दिया गया है, क्योंकि फॉरेस्ट से ना कुछ लड़का लड़की आते हैं गलत काम करते हैं, इसलिए इन्होंने बंद कर दिया है। ये बहुत ही अच्छा काम किया है, ऐसा हर पार्क में करना चाहिए ताकि कोई भी लड़का लड़की गलत काम ना करे। वो देखो नीचे बहुत सारी आंटी लोग है, उन लोगों के साथ घूमते हैं, कितनी अच्छी अच्छी आवाजें आ रही है कोयल की। चलो यहाँ पे एक फोटो क्लिक करते हैं जहाँ पे लिखा है गो ग्रीन, अभी दिखाती हूँ आप लोगों को, चलो। वाओ बेम्बो का ब्रिज, वाओ। तो अभी चलो गो ग्रीन वाला वो दिखाती हूँ आप लोगों को, जो कि बहुत सुंदर करके लिखा गया है इधर पे, ये देखो कितने सुंदर लिखा गया है गो ग्रीन, इतना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, हाय, ये लोग भी घूमने आया है, देखा
यहाँ पे हर रोज लोग रहता ही है। तो गाइस जैसे कि मैं कंफ्यूज हो रही थी पहले किस साइड जाएं, ऊपर गई थी शिव मंदिर देखने लेकिन वहाँ पे एम्बुलेंस बंद कर दिया गया है, तो पहले इस साइड जाऊं या इस साइड, डिसाइड करते हैं। तो आज मेरा चैलेंज है इतनी बड़ी फॉरेस्ट में अकेले सर्वाइव करना, कर पाते ही या नहीं चलो देखते हैं। गाइस मेरी आंखें सिर्फ ऊपर ही रहेंगे क्योंकि मेरा मोटिव है गोल्डन लंगूर को देखना, तो पता नहीं देख पाएंगे या नहीं, फिलहाल तो कुछ दिख नहीं रहा है, सिर्फ इतनी बड़े बड़े पेड़ दिख रहा है, लेकिन मेरी आंखें ऊपर ही टिकी रहेंगी। आज तो गोल्डन लंगूर देख के जाएंगे। गोल्डन लंगूर, गोल्डन लंगूर, अगर हो तो दिखाई दो। जैसे कि मेरे बुलाने पर आ जाएंगे। क्या नौटंकी कर रही हो आप? गाइस मैंने कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया है? ये बस एक रास्ता ही है और पेड़ ही है, क्या देखने लायक चीज है, लेकिन सरवाइव करके देखते हैं। आ जाओ, मतलब पानी वानी कुछ नहीं लाया। सुन रहे हो इतनी भयंकर आवाज? क्या किस चीज का आवाज है ये? ओह माय गॉड, मुझे गुस्सा आ रही है। कुछ तो नहीं है, फिर आवाज कैसी, इतनी बड़ी आवाज? गाइस एक तो इतनी भयंकर आवाज सुनाई दे रही है, पता नहीं किसकी आवाज है, दिख नहीं रही है, सिर्फ आवाज आ रही है, और इतनी बड़ी जंगल, यहाँ पर भी कोई नहीं है, सिर्फ मैं अकेली। चलो चलते हैं इन आवाज के साथ। जो होगा देखा जाएगा, एक दिन तो सबको मरना ही होगा अगर। गाइस यहाँ पे एक बैठने के लिए सोफा बनाया गया है। जो कि बैम्बू का है ये सोफा। ऊपर देखो, पेड़ में एक भी गोल्डन लंगूर नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या करूं इस जंगल में, मैं जिसको देखने के लिए आई थी वही नहीं है। आप लोग देखो, अगर दिखाई दे तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है? गाइस अभी तक तो गोल्डन लंगूर दिखा नहीं, पता नहीं दिखेगा या नहीं, एक भी पेड़ में नहीं है कुछ, ना पक्षी है ना कुछ जानवर है, गोल्डन लंगूर तो दूर दूर की बात है। गाइस उस दिन गए थे टुकरेश्वरी मंदिर, जहाँ पे बंदर की तांडव में हम लोग चले आए, रहा नहीं जा रहा था, और आज एक बंदर ढूंढ ढूंढ के मैं परेशान हो रही हूँ। कम से कम देख तो जा, हे भगवान को चमत्कार करो बजरंगबली, एक गोल्डन लंगूर मुझे दिखाई दे दो। गाइस अभी मैं गोल्डन लंगूर ढूंढने जा रही हूँ, ढूंढ के ही रहूंगी, देखकर ही जाऊंगी आखिर क्या खासियत है गोल्डन लंगूर में, सुनहरा बंदर में, तो देखते हैं। तो गाइस फाइनली मुझे बंदर दिखेगा, ये भैया मुझे लेकर जा रहा है। चलो देखते हैं, मुझे बड़ा खुशी हो रही है, और पीछे का नजारा देखो, चारों तरफ पहाड़। गाइस गाइस फाइनली गोल्डन लंगूर दिखा है, अब हम लोगों को दिखाते हैं। वाओ कितनी सुंदर है, ओह माय गॉड कितनी सुंदर, वाओ। ऊपर ऊपर देखो, बस ऊपर देखो, ओह माय गॉड कितनी प्यारी, कितनी
एक दो वाओ बहुत सारे है। तो गाइस जितने भी यहाँ के गोल्डन लंगूर है, मतलब उस साइड बहुत ज़्यादा धूप है ना, गर्मी होती है, इसलिए वहाँ पे नहीं रहता है। ये सब लोग यहाँ पे आके चुपचाप शांति से बैठा है। देखो कितनी सुंदर है, कितनी ज़्यादा सुंदर है, इतनी बड़ी बड़ी, इसको देखो, इसको 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 देखो। मुझे देख के अपना मुँह फेर लिया। तो इस पेड़ में बैठा है हमारा गोल्डन लंगूर, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा है बहुत। गाइस वहाँ पे और एक इनका सरदार बैठा है, बॉस बैठा है, वो दिखाई नहीं देगा। वो हाय हाय, मैं इस पार्क में जिस कारण से आई थी वो कारण मेरा हो गया, गोल्डन लंगूर मैंने देख लिया, जो कि बहुत ज्यादा प्यारा है और इतने जेंटल है। कुछ भी परेशानी नहीं किया है, हमने अच्छे से ब्लॉग लिया। गाइस मेरा दिल खुश हो गया इनको देख के। तो गाइस गोल्डन लंगूर देखने में मुझे मदद किया है ये भैया, आओ भैया, थैंक यू सो मच, आपने मदद किया। आपका नाम? मनोवेंद्र राठा। ओके, इनके कारण देख पाए, क्योंकि इनको पता होता है कि वो लोग कहाँ बैठा रहता है, हमें तो पता नहीं होता है, तो हम इधर उधर घूम रहे थे। तो भैया आया और दिखाया उनका लोकेशन, बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू भैया। चलो अभी यहाँ से चलते हैं, क्योंकि और भी लोग आ रहे हैं देखने के लिए, तो इन लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, शांति से बैठा है बेचारा। गोल्डन लंगूर का रहने का जो पेड़ है इसी साइड में है, तो यहाँ से मैं निकल आई हूँ और यहाँ से जाऊँगी उस तरफ, सामने की तरफ और एक रास्ता है, पता नहीं वहाँ पे क्या है वो देखेंगे। तो चलो बाहर निकलते हैं यहाँ से, और यहाँ से बाहर निकल के उस साइड में देखते हैं कुछ है तो दिखाएंगे, नहीं तो फिर घर चले जाएंगे। गाइस इस मेरे जू देख रहे हैं, मेरे पास तो जू है नहीं, बोले चलो उतर जाओ, उतर जाओ, जय बजरंग बली, उतर जाओ। गाइस वो बहुत ज़्यादा क्यूट था, मुझे डर नहीं लग रहा था, लेकिन बस वो छोड़ नहीं रहा था, मेरा जू देख रहा था, और जू देखेंगे तो मेरे सारे हेयर्स को उलझ उलझ कर देंगे, इसलिए उस दीदी ने हेल्प किया, चिप्स दिया, फिर उतरा, बहुत ज़्यादा क्यूट था। ओह माय गॉड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तब मुझे डर लग रहा था जैसे मेरे ऊपर चढ़ गया था, क्योंकि मेरी हेयर्स ओपन था और वो लोग जू देखने लग गए मुझे। ओह माय गॉड, मैं वहाँ से बाहर निकल आई और यहाँ पे एक छोटा सा बैम्बू का घर है, यहाँ पे चल के आप लोगों को दिखाते हैं। वाओ गाइस कितना छोटा सा घर है ये, देखो, आओ मेरे घर पे, आप लोगों का स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, देख लिया है ये छोटा सा घर, मेरे हाथ भी नहीं फैल रहा है, देखो इस साइड में अटक रहा है, इस साइड में खोलूँ तो इस साइड में अटक रहा है, तो इतना छोटा घर है। तो यहाँ से अभी निकलते हैं, चलो। फाइनली यहाँ से आ गई हूँ मैं बाहर, और जो मेरा देखना था गोल्डन लंगूर देख लिया है, बहुत ही क्यूट है, बहुत ही सुंदर है, और एक ने तो मुझ पर हमला भी कर दिया, मेरा जू देखने लगा था। तो गाइस अभी यहाँ से मैं घर चली जाऊँगी, तो यहाँ से निकलते हैं, कुछ ठंडा वंडा पियेंगे, उसके बाद घर जाएंगे, चलो। तो गाइस अभी मैं बस के लिए रुकी हूँ, इस साइड से बस आएंगे, साइड में जाना होगा, लेकिन उस साइड में बहुत ज़्यादा धूप है, इसलिए मैं यहाँ पर आके खड़ी हूँ। ये है हमारी आसाम की सड़क, देखा, एक्चुअली हमारी इधर पर नया सड़क बन रहा है, नहीं बस कब आएंगे। हे गाइस, तो मैं घर आ गई हूँ, और गाइस आज की ब्लॉग का सबसे क्यूट मोमेंट तो वो था जो बंदर मेरी यहाँ पे बैठ गया था और मेरे जू देखने लगा था। और गाइस मैंने गोल्डन लंगूर भी देख लिया, कि जो बहुत ज़्यादा क्यूट है, उनका फेस इतना ज़्यादा क्यूट है, और वो इतना शांत स्वभाव का था, ओह माय गॉड। और आप लोगों को आज की ब्लॉग का क्यूट मोमेंट कौन सा लगा मुझे जरूर बताना, वही है ना जो मेरे जू देख रहा था, जो बंदर है यहाँ पे बैठ के। तो अगर अच्छा लगा तो उनके लिए कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिख देना। आप लोगों से मिलूंगी मैं कल, यानी कि एक नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय।